मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं द्वारा दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में खरगोन जिले की बड़वाहा विधानसभा के कद्दावर नेता त्रिलोक राठौर कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। त्रिलोक राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस में सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी तन मन के साथ काम किया था, मगर कांग्रेस में बहुत ज्यादा मान और सम्मान मिला, इसलिए ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। आखिर क्या वो वजह रही जिसके कारण आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? कांग्रेस पार्टी में बोला गया था कि सर्वे के आधार पर टिकट मिले जाएंगे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे बगावत करना पड़ी। तो ये नाराजगी क्या टिकट को लेकर है? टिकट को लेके नहीं है, टिकट एक ही आदमी को मिलता है। आज मैं बीएसपी ज्वाइन किए तो बीएसपी में भी किसी एक ही कार्यकर्ता को टिकट मिलने वाला है, मगर जब टिकट देते हैं तो बड़े वरिष्ठों का ये है कि जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको आके बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, समझौता किया जाए, उसके बाद टिकट दिया जाए। टिकट हो गया, अब देख लो, आप ही लोग देखो, कांग्रेस का टिकट हुआ तो क्या हो रहा है बड़वा विधानसभा के अंदर? पार्टी फोरम में आपने बात रखी थी क्या? हाँ, शब्दों बात रखी थी। अब क्या आगे, क्या हम आपको बसपा से प्रत्याशी के रूप में देखेंगे? मैं बीएसपी में शामिल हुआ हूँ, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, पार्टी के कार्यकर्ता जो भी उचित समझेंगे, मैं उनके साथ हूँ और उनके लिए काम करता हूँ। कांग्रेस में आप कितने वर्षों से काम कर रहे थे? कांग्रेस में पिछले 2 वर्षों से काम कर रहा।